महबुआली के विधायक अमित सिहाग की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर ओड़ा में पैदल बाइक चलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने ब्लॉक अधिकारियों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान अमित सिहाग ने कहा कि सरकार अपने मन की बात जनता से ना करे बल्कि जनता के मन की बात सुने, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से समय समय पर इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। देखिए, सही मायने में जिस तरीके से मैं मानता हूँ आम जनता की दुर्गति हो रही है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं आज की तारीख में, मैंने भी आंकड़े सभी के सामने रखे। जहाँ आज के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि भाई यूपीए सरकार जन विरोधी सरकार है, और आंकड़े आज अपने आप सामने बता रहे हैं किस तरीके से, जहां बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सही मायने में आमदनी बढ़नी नहीं ना किसानों की ना आम युवाओं की, और उसके ऊपर उन्होंने जहां क्रूड ऑयल के दाम आज सबसे कम है मैं मानता हूँ सही तरीके से, मगर पेट्रोल और डीजल के दाम आज इस देश में सबसे ज़्यादा है इतिहास में। एक समय तो ऐसा आया जब डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर भी कर दिए सरकार ने, तो आज इस तरह की दुर्गति है जब जेब में पैसा डालने की जगह आम जन की वो जेब से पैसा निकालने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैंने सब यही कहा कि आज हम सभी को जनता की आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक भी, सरकार तक भी, सेंट्रल की गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने के काम करने की आवश्यकता है, और जिसमें मैं मानता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों का भी एक अहम योगदान है, क्योंकि आवाज़ तो शायद इस प्रांगण में यहां पे सड़क पे उठा रहे हैं, इसको चंडीगढ़ तक या दिल्ली तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मैं मानता हूं आप सभी को, चाहे विधानसभा या लोकसभा के अंदर अपनी बात उठाने की बात हो, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। और आशा करते हैं सरकार केवल अपनी मन की बात ना सुनते हुए जनता की बात को सुनकर, हम अपनी बात नहीं उठा रहे, ये जनता को, जनता अपनी बात उठा रही है जो आज सामने यहाँ पर खड़े हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। ऐसे में देखना होगा कि जनता की ओर से अब इसे लेकर क्या रिएक्शन आती है। भारत 9 के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट।